तो आज जो वॉच मेरे हाथ में आ रखी है वो आती है स्टेनलेस स्टील डिजाइन में, लग्जरी एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, और साथ ही में इसमें आपको देखने को मिलता है रैपिड हेल्थ मेजरमेंट। ये है नॉइस की नई स्मार्ट वॉच जिसका नाम है इवॉल्व 4। इवॉल्व 4 जो है इवॉल्व 3 का अपग्रेड वर्जन है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रही है वॉच। तो फटाफट इसके बारे में बातचीत करते हैं, बट पहले खोलेंगे हम लोग यहाँ पे इसका डब्बा जो है आपको नॉर्मल से पैकेजिंग में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दो एडिशन आते हैं, एक तो नॉर्मल एडिशन है यहाँ पर जिसमें आपको जो बेल्ट है वो सिलिकॉन वाला मिलता है, और एक जो आता है वो इलाइट एडिशन आता है जिसमें आपको बेल्ट जो है वो चेन वाला देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले आपकी एक वॉच मिल जाएगी, साथ में मिल जाएगी आपको एक्सेसरीज जिसमें आपको मिलेगी एक चार्जिंग केबल जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और मिल जाएगा आपको एक टूल जिसके थ्रू आप इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। साथ में मिल जाएगा कुछ पेपर वर्क जिससे कि आपको 1 साल का वारंटी कार्ड मिल जाएगा, मैनुअल मिल जाएगी। तो यही सब कुछ आपको जो है डब्बे के अंदर देखने को मिल जाता है। अब वॉच को लेकर बात कर ले हम लोग यहाँ पर, तो नॉइस की इवॉल्व 3 बढ़िया जबरदस्त रही, पॉपुलर रही, काफी लोगों ने इसको पसंद किया। इवॉल्व 3 में आपको जो फीचर्स देखने को मिलते हैं उसमें फीचर्स यहाँ पर थोड़े से बढ़ा दिए गए, अपडेट कर दिए गए। सबसे पहले मेटलिक फ्रेम आपको यहाँ पे मिल जाती है, टॉप आपको फ्लैट ग्लास देखने को मिलता है, हल्का सा यहाँ पर भी जो है उन्होंने रिंग लगा रखी जो एक अच्छा फील देती है। साइड में आपको दो बटन देखने को मिलते हैं, एक आपका रोटेटिंग क्राउन है, नीचे वाला आपका पुश बटन है, और आपको यहाँ पे जो है रिमूवेबल स्ट्रैप चेन वाला सिस्टम देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो चेन है आप निकाल सकते हो, लग रहा है आपको नॉर्मल स्ट्रैप्स लगाना है, स्पोर्ट्स वाले लगाना है या फिर सिलिकॉन लगाना, तो आप लगा सकते हो, दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। बैक में आपके सेंसर दे रखे हैं और आपका चार्जिंग पॉइंटर आपको देखने को मिल जाता है। तो बिल्ड के मामले में तो वॉच काफी ज्यादा सॉलिड नजर आती है, लुक्स भी काफी अच्छे लगे हैं इसके, जैसे कि प्रीवियस वॉच थी वैसे ही कुछ लुक्स है। अब बात कहां आ जाती है मेन, वो है डिस्प्ले को लेकर। 1.46 इंच का आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और एमोलेड डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो पर्सनली बता रहा हूँ काफी अच्छी है, ब्राइट मिल जाता है, कलर्स काफी अच्छे हैं, ब्लैक जो है वो बहुत प्रॉपर आपको देखने को मिलते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है यहाँ पर AOD यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको दो AOD देखने को मिल जाएंगे, एक डिजिटल और एक एनालॉग, दोनों आपको अवेलेबल कर रखे हैं। वेग गेस्चर भी मिल जाता है टच स्टेप करने में, आपकी जो वॉच है उसका डिस्प्ले यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ब्राइटनेस आउटडोर के हिसाब से भी मोर देन इनफ है, तो आपको एज अ डिस्प्ले से कोई भी कंप्लेन यहाँ पर नहीं होगी। बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर बात करूँ, यस आपको यहाँ पर अप टू 7 डेज ऑफ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, 7 दिन तक आप जो है वॉच से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉलिंग फंक्शन की बात करोगे तो 2 दिन तक आप कॉलिंग यहाँ पर यूज कर पाओगे। वहीं अगर मैं इसकी वाटर रेटिंग को लेकर बात करूँ तो वो काफी अच्छी मिल जाती है, IP68 रेटेड है। तो अगर आप स्विमिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आप इस वॉच को पहन के जा सकते हैं, बेफिक्र होकर आप इस वॉच को पहन के स्विमिंग वगैरह कर पाएंगे। सेंसर में ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं है, वही आपको बैक में सारे सेंसर मिल जाएंगे, SPO2, HR, एक्सेलेरोमीटर, तो वही बेसिक सेंसर यहाँ पर नजर आ जाते हैं। UI की बात करते हैं तो UI में भी कोई मेजर अपग्रेड नहीं है, वही आपको नॉइस की जो प्रीवियस UI जो आपने देखी थी वॉल 3 में वही आपको मिल जाती है। टॉप सब पे आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है, नीचे से करने पे टॉगल्स हैं, राइट साइड से करने पे आपकी सारी जो रीडिंग्स हैं HR रीडिंग्स वो आप देख सकते हो, सेंटर टच पे आपके वॉच फेस चेंज हो जाते हैं, और नहीं करना है तो वॉच फेस चेंज आप तो यहाँ पे क्राउन रोटेट करके भी वॉच फेस जो है यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। तो UI में ऐसा कोई मेजर अपडेट नहीं है, हाँ स्मूथ वर्क करती है, लैग फ्री है, तो मेरे हिसाब से आपको एक्सपीरियंस अच्छा ही मिलेगा। अब यहाँ पर जो की हाईलाइट फीचर है उनको लेके बात करो, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है SOS कॉलिंग, यानी कि एमरजेंसी वाले सिनेरियो में अगर एक्सीडेंट हो गया है या फिर आप किसी मुसीबत में है तो आप यहाँ पर SOS कॉलिंग कर सकते हैं इस वॉच के, यानी कि अगर वॉच से आपका फोन कनेक्टेड है तो आप वॉच को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये SOS कॉल लगा देता है। तो ये एक इसका यूनिक फीचर यहाँ पर जो है इन्होंने ऐड किया है। दूसरा जो आपको हमें फीचर देखने को मिलता है जो कि है रैपिड हेल्थ मेजरमेंट। रैपिड हेल्थ मेजरमेंट जो है मतलब एक ही बार में आपका यहाँ पर पूरा हेल्थ रिकॉर्ड लेकर आ जाता है, यानी कि आपका HR भी दिखा देगा, आपका SQ2 भी दिखा देगा, आपका स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी दिखा देगा। तो आपको यहाँ पर 100 सेकंड तक जो है वॉच को हाथ में पहनना होगा, स्टील रखना पड़ेगा अपने हाथ को, और 100 सेकंड के अंदर ये आपकी पूरी बॉडी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता। तो ये एक नई एलिमेंट यहाँ पर जो है इन्होंने वॉच में ऐड कर रखा है। बाकी नॉइस हेल्थ की बात करता हूँ मैं, यहाँ पर आपको एक्टिविटी मिलती है, जहाँ पर आपने कितने स्टेप्स चला है, आपका HR मिलता है, आपका ब्लड ऑक्सीजन मिलता है, स्लीप मॉनिटरिंग आपको मिल जाती है, इवन आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ऑप्शन दे रखा है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग दे रखा है, तो ये सारी चीजें अवेलेबल कर रखी है। क्लॉक में चलोगे तो क्लॉक में आपका अलार्म हो गया, टाइमर हो गया, स्टॉपवॉच हो गया, वर्ल्ड क्लॉक आपको दे रखा है, और पोमोडोरो भी यहाँ पे जो है इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। इसके अलावा आपको डिफरेंट वर्कआउट मोड्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंट वर्कआउट मोड्स जो हैं स्पेशली तब काम आते हैं जब आप बाहर एक्टिविटी करने के लिए जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हो या जिम जाते हो या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो ये मोड्स आपके काम में आते ताकि आपको ट्रैक करने को मिलता है आपने कितना जो है वर्कआउट किया है, कितने टाइम में कितनी कैलोरीज बर्न कर रखी है, और यूजफुल है। ऑटो स्पोर्ट डिटेक्शन भी मिल जाएगा आपको 2 चीज़ों के लिए, अगर आप रनिंग करने जा रहे हो या फिर आप वॉक कर रहे हो तो ये उसको ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, वो आपको ऑन करना पड़ेगा, ऑन करने के बाद आपको ऑटो डिटेक्शन यहाँ पर एनेबल हो जाता है। बाकी जो फीचर्स को लेकर बात करते हो तो आपको यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, आपका कैमरा
कैमरा कंट्रोल आपको मिल जाएगा, रिमाइंडर्स वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वेदर इन्फॉर्मेशन नजर आ जाती है आपको, फ्लैश लाइट का ऑप्शन दे रखा है, काफी ब्राइट फ्लैश लाइट है यहाँ पर क्योंकि डिस्प्ले जो है काफी अच्छा यूज कर रखा है इन लोगों ने, और इवन इसमें आपको देखने को मिल जाता है कैलकुलेटर, तो अब ऑन गो यहाँ पर कुछ चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये सारे फीचर्स जो है आपको बेसिकली मिल जाते हैं। सेटिंग्स में जैसे चलते हो तो ब्राइटनेस कंट्रोल है, टैप टू वेकअप दे रखा है, रिंगटोन वाइब्रेशन अगर आपको बढ़ानी है, डीएनडी मोड में जाना है, मेन्यू व्यू का ऑप्शन आपको चेंज करना है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, इवन रिबूट करना है, रिस्टार्ट करना है, तो वो सारी चीजें जो है आपको सेटिंग में अवेलेबल कर रखी है। एप्लीकेशन को जब मैं लेके बात करता हूँ, जहाँ पे आप अपने वॉच फेस लगा सकते हो, खुद के फोटोज लगा सकते हो, तो वो नॉइस की खुद की एप्लीकेशन है, नॉइस फिट, वही आपको हमें मिलती है। कनेक्ट करने के बाद आपको सारा जो है यहाँ पर वॉच फेस लगाने का ऑप्शन, सेटिंग्स वगैरह, रिमाइंडर्स वगैरह, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड करना, वो सब आपको देखने को मिल जाता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी थी कॉलिंग को लेकर, तो SOS के अलावा नॉर्मल कॉलिंग भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे वॉच के थ्रू बातचीत भी कर पाओगे। तो इन ओवरऑल टर्म्स जो वॉच है वो काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है, मतलब अगर आप फीचर वाइज देखते हैं तो आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। और नॉइस की सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे कि बिल्ट के मामले में वॉच काफी प्रीमियम है, सॉलिड बिल्ट के साथ आपको मिलती है, UI आपको भले पुराना सा नजर आएगा बट इसका स्मूथ और बिना लैग के आपको UI देखने को मिलता है, तो वो चीज कहीं ना कहीं मैटर करती है। और वो सारी चीजों को अगर आप देखते हैं, फैक्टर को कंसिडर करते हैं, तो फिर आप इस वॉच को कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में ले सकते हैं अगर आप एक नई वॉच लेने जा रहे हैं। Evolve 3 अगर आपके पास ऑलरेडी है या फिर हेलो आपके पास ऑलरेडी है तो फिर मैं आपको मना करूंगा कि आप इसको अपग्रेड मत करो, क्योंकि ऑलमोस्ट उसी की तरह की वॉच है, बस दो चीजें यहाँ पर जो है इन्होंने ऐड कर रखी, बाकी सिमिलर टू सिमिलर आपको देखने को मिलता है। अब जो प्राइसिंग है वो आप लोग पूछना चाहेंगे, तो देखो 4000 वाली जो है आपको नॉर्मल एडिशन वाली वॉच मिल जाएगी, स्पेशल यानी कि इलाइट एडिशन वाली वॉच जो है वो आपको 5000 रुपए की प्राइसिंग मिलती है, और ये लॉन्च प्राइस है। लॉन्च प्राइस की प्राइसिंग जो है कभी कभी डाउन भी होती है, सीजन वगैरह आता है, सेल वगैरह आती है, तब आपको देखने को मिलता है, बट ये जो प्राइसिंग है करंट प्राइसिंग है, बाद में प्राइसिंग जो है बढ़ भी सकती है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, पसंद आई है तो आप चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वॉचेस की वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। भाई का कंटेंट पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से करना, और एक प्यारा कमेंट कर देना, खुशी मिलती है कमेंट्स आपके आते तो। आगे मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।